दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सारे देश में इस समय जो सबसे हॉट टॉपिक्स हैं उनमें से एक हॉट टॉपिक है द केरला स्टोरी। सारे देश में एक डिबेट को जन्म दिया था कि कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ वास्तव में गलत हुआ था या नहीं हुआ था। सब लोगों ने आंखें मूंदे रखी 90 के दशक में जब उनके साथ गलत हो रहा था। बात पर डिबेट करना कम शर्मनाक नहीं था कि कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया ब्राह्मणों के साथ कुकृत्य वास्तव में हुआ था या नहीं। तो आज के समय पर ऐसी ही डिबेट छेड़ी है द केरला स्टोरी में। केरला स्टोरी मूवी बेस्ड है एक ऐसी लड़की की कहानी पर जिसको पहले तो उसके संगी साथी जो कि मुस्लिम धर्म से होते हैं उनके द्वारा इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कराया जाता है उसके धर्म के प्रति, और बाद में उसको लव ट्रैप में लेकर ISIS ने रिक्रूट कर दिया जाता है। दोस्तों बताने का प्रयास किया गया है कि कुल 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है केरला में। 32,000 ये आंकड़ा बड़ा है, ये पूरे देश में फैला हुआ है और ISIS हर कोई ज्वाइन कर ले ये संभव नहीं। लेकिन इस्लाम में इस तरीके से जो परिवर्तन किए गए हैं लड़कियों के धर्म के लव जिहाद में लेकर, वो सारे देश का सच है। एक मिश्रित आबादी वाले इलाके में रहता हूँ जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी इस देश में जम्मू कश्मीर के बाद और असम के कुछ इलाकों के बाद सबसे ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पर ऐसी घटनाएँ अक्सर सुनने में आती हैं। अभी 2 साल पहले ही मेरे गाँव में भी एक लड़की के साथ ऐसी ही घटना सुनने में आई जिसमें कि उसका प्रेम प्रसंग था किसी आकाश नाम के लड़के के साथ, और कहीं बाहर रहते थे वो उत्तराखंड में, और वहीं पर उसका प्रेम प्रसंग हुआ आकाश नाम के लड़के के साथ और बाद में वो लड़का मुस्लिम धर्म का निकला। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पुलिस, सेक्युलर, सब के सब हुए। बाद में क्या हुआ मुझे उस बात की जानकारी नहीं। उस लड़की को शायद उसके घर वालों के सपोर्ट कर दिया गया था सामाजिक प्रयासों के द्वारा। इस तरीके की घटनाएं अक्सर छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गांवों, कस्बों, हर जगह देखने को मिलती रहती हैं। कुछ नज़र में आती हैं, कुछ नज़र में नहीं आती। लेकिन मेरे मन में हमेशा से एक प्रश्न आता था कि क्या इसके लिए जिम्मेदार शब्द जो है वो लव जिहाद ही है? क्या इसके लिए सीधे तौर पर आप मुस्लिम लड़कों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? देखिए बड़ा सीधा सा एक, मैं इसे तारतम्य इस चीज़ से इसलिए नहीं बैठा सकता, अगर मुझे मच्छर लग रहे हैं तो मच्छरदानी मैं ही लगाऊंगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं सारे मच्छरों को उसमें कैद करने की कोशिश कर दूँगा। तो यहाँ पर ये मेरा सीधा सा लॉजिक है जो मुझे लव जिहाद के जो वर्ड है या इसका जो कॉन्सेप्ट है इस पर यकीन करने से थोड़ा सा मुझे भटकाता है। आप अपने आम परिवेश में अपने आसपास एक चीज़ समझकर देख लीजिए। पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने कोट करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, वो ये है कि आप कभी लड़कियों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं? वो 50 रुपये 100 रुपये की सैंडल खरीदती हैं और कितना उलट पलट के देखती हैं, देखा है कलर, उसका डिज़ाइन, जब तक 10 पीसेज नहीं निकाल लेंगे ना वो दुकान पे से कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप उनको सब्जी खरीदते हुए देखिए, वो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये के ऊपर फीमेल जो टेंडेंसी है, मैं इसे चीपनेस नहीं बोल रहा, फीमेल टेंडेंसी बोल रहा हूँ, तो वो जिरहबाजी कर सकते हैं। आप उतना नहीं कर सकते, मेल कम्युनिटी मेल टेंडेंसी ऐसी नहीं होती। और इसके अलावा भी बाकी चीज़ों में भी आप देखिए, कपड़ा खरीदने में या कहीं पे, तो ऐसा क्या होता है एक जब वो इतना बारीकी से हर चीज़ को देखती हैं, तो ऐसा क्या होता है कि सामने वाला कोई मुस्लिम लड़का कलावा पहन के आ गया, माथे पे टीका लगा के आ गया, नाम अनवरुद्दीन की जगह आकाश रख के आ गया, वो सीधे उससे प्रेम प्रसंग में पड़ गई? संभव है ऐसा? जो सब्जी खरीदते हुए 50-100 रुपये की सैंडल खरीदते हुए इतना मीन मेक निकाल सकती हैं या इतनी बारीकी से उसका इंस्पेक्शन कर सकती हैं, वो सीधे एक कलावा भर देख के फ्लैट हो जाती हैं? क्या ये संभव है? दूसरी चीज़, चलिए मान लिया कि वो हो जाती हैं या उस समय पे उनकी बुद्धि विवेक काम नहीं करते, लेकिन संस्कार ये भी कुछ होते हैं। आपके हिंदू परिवारों में कैसे संस्कार दिए गए हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो जब लोग उठाते हैं कि डांडिया खेलने आए माथे पे तिलक लगा के, और ऐसी गुजरात में भी अभी घटनाएं देखने को मिली, लगभग प्रत्येक हिंदू पर्वों में इस तरीके की शिकायत लगाई जाती है कि जी मुसलमान लड़के कलावा पहन के आते हैं और तिलक लगा के आते हैं और बाद में हिंदू लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग शुरू कर देते हैं। तो ये कैसा संस्कार आपने 20-22 साल की लड़का की उम्र तक अपनी लड़कियों को दिया? ये पहली बात तो असफलता आपकी है कि वो सिर्फ कलावा और तिलक देख कर किसी से पड़ जा रही हैं या फिर किसी के प्रेम प्रसंग में पड़ जा रही हैं, अगर बहुत सभ्य भाषा में कहूँ तो। तो इन चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए हिंदू कम्युनिटी को कि आप संस्कार क्या दे रहे हैं। आपकी बच्चियां रात रात भर में मोबाइल पे कौन सा काम कर रही हैं या फिर क्या कर रही हैं, गुपचुप बैठ के कहाँ चैटें करी जा रही हैं? उस वक्त तो आप इंडिपेंडेंस और फेमिनिज्म की दुहाई देते नहीं थकते, बाद में आप इसे लव जिहाद कहते हैं। और फिर देखो सीधी सी बात है, आप अगर
अपना पर्स पीछे रखिएगा, केयरलेसली रखिएगा, जेब कोई ना कोई काटेगा। बहुत सीधा सा फंडा है वो, चाहे अनवरुद्दीन काटे या आकाश काटे या इस्माइल काटे या गुरप्रीत काटे या कोई भी काटे, किसी भी धर्म का काटे, वो आपका पड़ोसी का लड़का भी हो सकता है। अगर आप केयरलेसली रखेंगे, आपकी बेटियां हिंदू समाज को या किसी भी समाज को, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी समाज को ये समझना चाहिए कि भले ही समाज में किसी भी तरीके के नारे उछाल दिए जाएं, फेमिनिज्म के कितने भी मजबूती, आधी आबादी, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन वो जो है एक सॉफ्ट टारगेट रहती हैं हर किसी का, इतना समझिए। और वो सॉफ्ट टारगेट इस तरीके से रहते हैं कि वो आपके घर का अनमोल रत्न है जिस पर आपका सम्मान डिपेंड करता है। ये हमारी सोसाइटी का प्रचलन है, ये हमारी, आप इसे एक दिन में नहीं बदल सकते, तो ऐसे में आपको उसका ख्याल रखना होगा। आपका बेटा 10 रुपये का नोट हो सकता है, लेकिन आपकी बेटी आपका 2000 रुपये का नोट है, इस चीज़ को आपको काउंट करके चलना पड़ेगा। आप 10 रुपये और 2000 के नोट को एक समान केयरिंग भाव से नहीं रख सकते। आप 10 रुपये के नोट को कहीं भी रख के भूल सकते हैं, 2000 रुपये के नोट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आप आम आदमी हैं, इतना समझिए। अगर आप 2000 रुपये का नोट कहीं रखेंगे तो वो इस्माइल की ज़रूरत नहीं है, इस्माइल अनवरुद्दीन की, बगल के पड़ोसी का लड़का भी आपको उठा के ले जाएगा और सम्मान की बराबर हानि होगी। तो लव जिहाद जैसी चीज़ें हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही हूँ, मैं उसका खंडन नहीं करता। कुछ समय पूर्व मैंने भी देखा था कि इस तरीके के पर्चे मेरी नज़रों में आए थे कि ब्राह्मण लड़की का रेट 7 लाख रुपया, राजपूत लड़की का रेट 6 लाख रुपया, उससे नीचे फिर इस तरीके से रेट्स जो है कैटेगराइज किए गए, और वो मुस्लिम संगठनों के द्वारा थे, हिंदू संगठनों के द्वारा मुझे पता नहीं, लेकिन वो थे, मैंने पढ़े थे। लेकिन आप इस बात से भी दो राय नहीं रख सकते कि अगर आपको किसी चीज़ से कष्ट है, किसी चीज़ से डर है, तो सुरक्षा आपको अपनी करनी होगी, ना कि आप अतिक्रमण कर सकते हैं दूसरे पर। आप ये नहीं कह सकते दूसरे के लड़के को कि आप क्यों नहीं, क्यों घूम रहे हो भैया, अब अपनी लड़की को बोलिए ना क्यों घूम रहे हो, आप बोलिए, पूछिए ना, क्वेश्चन कीजिए कि कहाँ जा रहे हो। तो आपको स्ट्रक्चर देखना होगा अपने घर का, सबसे पहले अपना घर सुधारिए, हिंदू धर्म अपने आप सुधर जाएगा, लव जिहाद अपने रुक जाएंगे, आप अपनी बेटियों को संस्कार देंगे। क्या था उसमें, एक लड़की पूछती है कि तुम्हारा भगवान कैसा है, केरला स्टोरी मूवी में क्या था, ट्रेलर में जो दिखाया गया कि तुम्हारा भगवान कैसा है जो अपनी पत्नी के मरने पर रो रहा है। आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा। उस समय पर आप ये नहीं कह सकते बेटा ये शिव महापुराण ना पढ़ो, तुम हनुमान चालीसा ना पढ़ो, तुम जाके साइंस की किताब पढ़ो। आपको चाहिए कि वो दोनों चीज़ें पढ़ें, शिव महापुराण भी पढ़ें, हर चीज़ पढ़ें, हर धर्म के बारे में ज्ञान लें, तब कहीं जाके आप लोग अपने धर्म की रक्षा कर पाओगे। ऐसे दूसरे के धर्म पर अतिक्रमण करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, आपसे बड़ा धर्म है वो। आपको अपने घर को संभालना होगा, सीधी सी बात है। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते भैया, क्यों नहीं आप संस्कार देते, क्यों नहीं रानी पद्मिनी के बारे में बताते। आज मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े राजपूत ने से ठाकुराइन ठाकुर करके इंस्टाग्राम पे अभद्र डांस करते रहते हैं। आप क्यों नहीं बताते कि जौहर हुए हैं अपना मुंह छुपाने के नाम को लेकर, साके हुए हैं, आप क्यों नहीं बताते? आपको शर्म आती है बताने में, आपको डर लगता है कि आपका बच्चा भी उसी राह पे ना चल पड़े, आपका बच्चा फैनेटिक ना हो जाए उन चीज़ों की तरफ, अपने जो बलिदानी जो पूर्वज हैं उनकी तरह ना हो जाए। आप ये बीच का रास्ता नहीं ले सकते। आप एटलीस्ट उनको बता सकते हैं, आप उनको हिस्ट्री समझा सकते हैं, आप उनको संस्कार बता सकते हैं कि हमारे ये संस्कार रहे हैं, हम लोगों ने सर कटाए हैं इस बात को लेकर कि कोई आता था ही हमारा मुंह ना देख ले, और आपकी बेटियां इंस्टाग्राम पे उलाला कर रही हैं, जाके उनको रोकिए अगर आप रोक सकते हैं। और ये लव जिहाद चलाना बंद कीजिए। लव जिहाद आपके पड़ोसी का आपका सजातीय भी कर सकता है, कोई बस धर्म चेंज नहीं होगा, सम्मान बराबर मात्रा में जाएगा, इतना समझ लीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, केरला स्टोरी सच हो सकती है, बिल्कुल सच हो सकती है, मैं उसका खंडन नहीं करता, लेकिन केरला स्टोरी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसके लिए मुस्लिम युवकों युवतियों से ज़्यादा जिम्मेदार कहीं ना कहीं उन लड़कियों के घर वाले हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिन्होंने उन्हें नहीं बताया कि तुम्हारे साथ बाहर निकलने पर ऐसा हो सकता है। अब बताते हैं ना अपने छोटे छोटे बच्चों को कि बाहर निकलोगे कोई पकड़ के ले जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को बोलते थे बेटा बाहर निकलोगे बाबा पकड़ के ले जाएगा, बेटियों को क्यों नहीं समझाते बाहर निकलोगे अनवरुद्दीन पकड़ के ले जाएगा, अनवरुद्दीन क्या है, आकाश भी पकड़ सकता है भैया। तो इन चीज़ों को आपको समझाना पड़ेगा, इन चीज़ों के धरातल में उतरना पड़ेगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का यही मतलब था, सारी चीज़ें सच हैं, लव जिहाद भी सच है, लेकिन आपकी मूर्खता और आपका अविवेक अपने बेटियों की रक्षा के प्रति भी उतना ही सच है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।